नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार मिश्रा। आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो बैग वगैरह जो सेल होता है उसका जो शॉप होता है या फिर जो ट्रॉली बैग होता है, इन सब के दुकान में वो कैसे मैनेज करें, जो कि उसके रिलेटेड है वीडियो है कि पूरा अपने स्टॉक को कैसे मैनेज करें, या फिर आपका इस तरीके से आप समझिए कि लगेज जो ट्रॉली जहाँ पे सेल होता है वैसे वैसी दुकान अगर आप रिटेल काउंटर या होलसेल काउंटर है तो आप उसमें कैसे अपने स्टॉक को मैनेज करेंगे और उसमें कैसे प्रोडक्ट की एंट्री करेंगे। तो दोस्तों आज इसी को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कुछ प्रोडक्ट की एंट्री करेंगे एक, और उसका बारकोड हम प्रिंट करेंगे, और उस बारकोड को प्रिंट करने के बाद फिर हम सेल पॉपअप पे जाएंगे। जो लगेज जैसे लेडीज पर्स जहाँ पे बिकता है, जहाँ पर आपका ट्रॉली बैग बिकता है, जैसे लाइक कंपनी आप समझिए, जैसे वीआईपी कंपनी का आपका सूटकेस वगैरह आप लेते हो, अमेरिकन टूरिस्ट का लेते हो, या फिर आपका किसी और प्रोडक्ट लेते हो, इन सबका जो शोरूम और जो दुकान है उस दुकान में कैसे बिलिंग, कैसे आप कंप्यूटराइज बिल जनरेट करेंगे और उस शॉप को कैसे मेंटेन करेंगे, उसके रिलेटेड है सॉफ्टवेयर है। मतलब आपका बैग एंड लगेज जितने भी हैं आपका, उस ट्रॉली बैग को कैसे आप अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर में प्रोडक्ट की एंट्री कैसे करेंगे, उसको आप बारकोड कैसे प्रिंट करेंगे और उसमें कैसे सेल करेंगे, उसके रिलेटेड है वीडियो। सबसे पहले दोस्तों हमें प्रोडक्ट आइटम बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर सपोज भाई एक हम प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं बैग के नाम से, PAG बैग कुछ भी, और अदर से नाम भी हो सकते हैं। जैसे आपका ये जो बैग है आपका कौन से ब्रांड का है, मैंने डाल दिया VIP VIP बैग हो गया। यहाँ पर हमने डाल दिया कि ये जो VIP कंपनी का हमारा बैग है इसमें कौन कौन सी साइज हमारे पास अवेलेबल है, जैसे आपने जो भी विड्थ और हाइट जो साइज होगा उस तरीके से आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने डाल दिया फिक्स साइज है, और आप अपने हिसाब से जो भी साइजें हैं आप उसमें आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे VIP कंपनी डाल दिया, यहाँ पे मैंने ये डाल दिया ब्रांड, यहाँ पर बैग एंड लगेज के अंतर्गत इसको मैंने डाल दिया, और यहाँ पदर मैंने कर दिया। उसके बाद यहाँ पे परचेज का रेट मैंने डाल दिया कि 1200 रुपये हमारा परचेज की प्राइस हो गया, यहाँ पे हो गया 1500 रुपये हमारा इस सेल की प्राइस हो गया, या फिर यहाँ पर आप डाल सकते हो 900 रुपया, यहाँ पे 1500 रुपया। फिर उसके बाद रीऑर्डर पॉइंट 2 पीस हमारे पास बचेगा तो हमें अलर्ट आ जाए। ओपनिंग स्टॉक हमने इसका 12 पीस डाल दिया, CGST SGST आपको टोटल 9% डाल दिए, और यहाँ पे इसका जो बारकोड का नंबर है, जूम करके अगर हम आपको दिखाएं तो ये आप देखेंगे कि ये बारकोड का नंबर ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है, ये आपका बारकोड का नंबर ये ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे ये चीजें हम पीस में सेल करेंगे, तो यहाँ पे पीस ले लिया, सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे 0013 करके बारकोड का नंबर हमारा आ गया। अभी यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसका बारकोड आप जनरेट करेंगे, तो यहाँ पे 0013 करके आपने डाला। जितनी क्वांटिटी में बारकोड चाहिए, यहाँ पे जैसे 10 क्वांटिटी में या ओपनिंग स्टॉक वाला ही पूरे बारकोड चाहिए तो कुछ नहीं क्वांटिटी डालना, डायरेक्ट आप ओपनिंग स्टॉक वाले बारकोड, तो टोटल 12 पीस आपका जनरेट होके निकलेगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक में टोटल 12 पीस वहां पे हमने ऐड किया हुआ था। दोस्तों इस माई बिलिंग पैड के बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप कोई भी बारकोड जो जनरेट कर रहे हैं तो आप डिफरेंट डिफरेंट साइज के भी अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आप उस बारकोड को जनरेट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ गया MRP आ गया, यहाँ पे आ गया बैग का नेम आ गया, यहाँ पे आ गया आपका VIP कंपनी का लगेज बैग है, इसकी साइज फिक्स है, इस तरीके से आप देख सकते हैं 0013 करके आ गया। अभी हम एक सेल का पैनल बनाते हैं, मतलब सेल का बिल बनाते हैं। सेल POS बटन पे हमने क्लिक कर दिया, यहाँ पर हमने 0013 करके स्कैन कर लिया, 0013 करके 2 पीस मैंने स्कैन किया,
तो टोटल जो है आपका 3000 रुपए का बिल बना। सेटल बटन पर हमने क्लिक किया। सेम इसी बिल को अगर आप क्यूआर कोड से गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे से अगर आप पेमेंट कलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप क्यूआर कोड यहाँ या थ्री बटन को प्रेस कर 3000 रुपए का क्यूआर कोड निकल जाएगा और आराम से इसको आप गूगल पे, फोन पे से आप कस्टमर से पेमेंट आप रिसीव कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसके बाद इस माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप मल्टी साइज मतलब मल्टी फॉर्मेट में आप जो है बिल को आप निकाल सकते हैं, चाहे 4 हुआ, चाहे 5 साइज हुआ, चाहे 3 इंच हुआ, चाहे 2 इंच हुआ। थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तीन के तीनों प्रिंटर आपको इसमें चलेंगे। यहाँ पर देखिए गेट डाटा करके रीप्रिंट भी आप लिया जा सकता है कि आप रीप्रिंट भी ले सकते हैं। कस्टमर को आप व्हाट्सएप वगैरह भी आप सुविधा है इसमें व्हाट्सएप वगैरह भी आप कर सकते हैं। दोस्तों माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में इजी और आसान तरीके से अपने लगेज शॉप या फिर कोई भी फ्रेंचाइजी आपने किसी फर्म का लिया हुआ है उस फर्म में भी आप बिलिंग के लिए आप इजी और आसान तरीके से आप वहां पर इस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कुछ नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।